हाय स्टूडेंट, आप सभी को आपके अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीजगणित एलजेब्रा का पार्ट 7। जैसा कि आप लोग देखे हैं, पार्ट 6 में हमने कुछ सर्वसमिका यानी जिसको तदात्म्य भी कहते हैं उसको देखें, और फिर जो फार्मूला किस रूप में होता है, वह कैसे आता है, इसके बारे में देखें। आज वही सभी फार्मूला पर आधारित कुछ हम प्रश्न करेंगे, ताकि आप लोग जो है उस फार्मूला का यूज कहाँ करें ये सीख जाएं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अभी, और यहाँ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन रहेगा जैसे कि सभी को विस्तारित रूप में लिखें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो यहां पे हम ले लेते हैं कि a प्लस 2b के होल स्क्वायर, इतना को कहता है कि विस्तारित रूप में लिखें। तो आप ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में क्या बताए हैं कि अगर a प्लस b के होल स्क्वायर रहे तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस b के होल स्क्वायर का, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो ए के जगह तो a ही है, b के जगह 2b है, यानी कहेंगे कि a बराबर a और b बराबर 2b रखने पर, इतना रखने पर। तो जब हम रखेंगे तो देखिए, तो ए है तो ए के जगह ए ही रखेंगे, लेकिन बी है तो उसके जगह 2b स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2, ए के जगह कितना ए ही रखेंगे, बी के जगह कितना रखेंगे 2b रखेंगे। इस प्रकार ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर कहता है, इसको ही भी जाएंगे और इसको ही भी जाएंगे, मतलब दोनों में यह स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, बी के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 × 4 और ए गुना बी, तो ए बी यानी 4ab, और यही क्या हो गया, विस्तारित रूप हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा कहेगा कि 3a प्लस 4b के होल स्क्वायर, तब इतना को विस्तारित रूप में लिखे। तो अभी अभी देखें कि यही फॉर्मूला पर फिर से है, ए के जगह यह पूरा है और बी के जगह यह पूरा है, यानी कि हम जानते हैं, लिख लेंगे एक बार, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो कहेंगे इसमें ए के जगह 3a है और बी के जगह कितना है 4b है। ठीक है, तो कहेंगे मान रखने पर, यानी कि इतना इतना रखने पर, तो रखने पर अगर करेंगे तो बराबर, यहाँ पे फार्मूला में ए स्क्वायर इस रूप में तो यह दिया हुआ है, इस रूप में लिखना है, यही तो विस्तारित रूप है। तो इसमें ए के जगह 3a और बी के जगह 4b रख दिए, तब फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहेंगे रे ए तू हटो, इसके जगह 3a आ गया है, अरे ए तुम भी हटो, इसके जगह 3a आ गया है, बी भी हटाओ इसको, अब बी के जगह कितना आ गया है 4b आ गया है, अरे बी हटो ना, इसके जगह 4b आ गया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान दे, स्क्वायर तो दोनों ही जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, ए के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 × 12 यहां पे 24 हो जाएगा, और ए में 20 गुना करेंगे तो ए भी हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर इसको ही जाएगा, इसको ही जाएगा, तो 4 के स्क्वायर 16 और बी के स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर होगा। अब इस प्रकार से जो लिखाया यही क्या हो गया, विस्तारित रूप हो गया, आंसर हो गया, है ना।
एक और देखते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखे, कहता है 3/7a + 1/4b इतना, और एक और कहता है 3/7a - 1/4b इतना कहता है, कितना को विस्तारित लिखें, हम इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ना, ये क्या है a + b a - b, तो हम कहेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि a + b और a - b = a² - b² होता है, और इसमें a बराबर है कितना 3/7a, b बराबर कितना है तो 1/4b, दोनों जगह है 1/4b, इतना रखने पर, किसमें रखने पर, इस इक्वेशन में रखने पर, तो इतना का तो वैल्यू ये वाला दिया हुआ है, हमको इतना का वैल्यू निकालना है a² - b² कहेंगे अरे ये हटो, इसके जगह 3/7a आ गया है, अरे b भी हटो, इसके जगह 1/4b आ गया है ना। अब स्क्वायर तो दोनों ही होगा, 3/7 के भी स्क्वायर होगा, ए का भी स्क्वायर होगा, मतलब 3 × 9/49 ए के स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 1/4 तो 1 के स्क्वायर तो 1 है, 4 के स्क्वायर 16, और बी के स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर, और यही क्या हो गया इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इतना जो है समझ गए होंगे। अभी और हम बताते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, सभी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को बिल्कुल जो है एकदम इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो कहता है कि x + 2 और x + 7 इतना को विस्तारित रूप में लिखे। तो देखिए ना, ये कौन फार्मूला पे है, x + a x + b, यानी कि हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि x + a और x + b = कितना जी, तो यहाँ पे फार्मूला होता है कि x² + a + b × x + ab होता है, ऐसा होता है। तो हम कहेंगे कि x = x और a = 2 और b = 7 रखने पर, इतना रखेंगे तो क्या होगा आप यहां पे समझिए, हम इस फॉर्मूला ये वाला तो इतना रूप में है, इसमें हमको रखना होगा, यानी x² + a + b × x + a * b, कहेंगे अरे x तू हटो, इसके जगह x है तो x से लिखा जाएगा, a हटो, इसके जगह 2 लिखना है तो 2 लिख दो, b के जगह 7 तो 7 लिख दो, a के जगह 2, b के जगह 7, तो यहाँ पे 7, और इस प्रकार से x² + 7 * 9 और x = x + 7 = 14, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन एक देखें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 3x + 7 और 3x + 6 को विस्तारित रूप में लिखे, इतना को विस्तारित रूप में लिखे, तो हम इसको ऐसा करेंगे, कहेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, कि x + a x + b के रूप में लिखा हुआ है, यानी x + a × x + b = x² + a + b × x + a b, ऐसा फार्मूला जानते हैं। तो इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, x = 3x a = 7 b = 6 रखने पर, इतना जो है रखेंगे, तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे देखिए फार्मूला कुछ इतना होता है, यानी x² + a + b × x + ab ऐसा होता है, कहेंगे x हटो x, इसके जगह 3x भरना है तो इसको हटाएंगे और इसको 3x कर देंगे, a को हटाएंगे और a का वैल्यू 7 है तो 7 कर देंगे,
बी का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे बी का जगह 6 कर देंगे, है ना। और एक्स है तो एक्स के जगह कितना, एक्स के जगह वहां पे देखिए 3x कहेंगे, अरे एक्स हटो इसके जगह 3x करना है, ए के जगह 7 और बी के जगह 6 कर देना है। आप इसको देखिए 3 के स्क्वायर 9, x के स्क्वायर प्लस 7 6 13 और गुना 3x प्लस 7 7 6 42 और इसको हम ऐसा लिखेंगे 9x² + 33 = 39x प्लस 42 और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, कहता है 4x - 5 और 4x + 1। अब देखिए ये दोनों था अभी प्लस प्लस में, लेकिन एक जगह माइनस एक जगह प्लस दे दिया, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि अगर ऐसा रहे एक्स प्लस एक्स माइनस ए और एक्स प्लस में बी अगर रहे तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर और माइनस बी माइनस ए यानी प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स और यहाँ पे माइनस ए बी होता है, ठीक है। ए माइनस में है तो यहाँ पे बी माइनस ए करेंगे इंटू एक्स करेंगे, या तो आप इसको गुना करके भी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे समझते हैं एक्स बराबर यहाँ कितना है 4x है, ए बराबर कितना है 5 है, बी बराबर कितना है बी बराबर 1 है। इतना रखने पर किसमें रखने पर इसमें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी में रखने पर, है ना। अब समझिए यहां पे एक्स को हटाएंगे और कहेंगे अरे एक्स यहां पे 4x भराएगा, बी को हटाएंगे और बी है कितना 1 है तो यहां पे 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद समझिए यहां पे आप देखिए ए के जगह कितना रखना है तो ए के जगह 5 रखना है तो 5 लिखेंगे और एक्स के जगह 4x तो यहां पे 4x और ए के जगह 1 एक जगह कितना एक के जगह 5 रखना है, ठीक है। तो ए के जगह 5 और फिर बी के जगह 1 रख देना है। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए 4x के होल स्क्वायर होगा 16x², एक में से 5 गया -4 और -4 × 4x -16x और 5 × 1 तो -5, यानी इस प्रकार से ये वाला क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। सभी तरह का क्वेश्चन इस पर जितना भी बन रहा है वो आप लोग को बता भी रहे हैं ताकि आप लोग क्लियर कर लें। अब समझिए अब कहता है कि बीजगणितीय, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है कि बीजीय सर्वसमिका या तदात्मय भी उसको बोलते हैं, तदात्मय द्वारा हल करे, मैंने वो जो फार्मूला भी जो बताए हैं उस फार्मूला के द्वारा हल करना है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन नंबर 7 भाई, 103 के होल स्क्वायर, इतना का वैल्यू बताना है कोची के द्वारा, फॉर्मूला के द्वारा। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं 100 + 3 के होल स्क्वायर यानी हो गया ये कैसा a + b के होल स्क्वायर जैसा हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि a + b के होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² होता है। अब a बराबर कितना हम यहां पे देख रहे हैं 100, b बराबर कितना देख रहे हैं तो b के जगह यहां पे देख रहे हैं 3, तो b = 3 रखने पर, इतना जो है रखने पर इस फॉर्मूला में, यानी a² + 2ab + b² के जगह, तो a के जगह कहेंगे अरे a हटो इसके जगह 100, अरे a हटो इसके जगह 100 और b को भी हटाएंगे इसके जगह 3 और b के हटाएंगे इसके जगह 3। अब देखिए तो 100 के स्क्वायर होगा तो यहां पे 10,000 हो जाएगा प्लस 100 में 3 से 300, 3 दुनी 600 हो जाएगा और प्लस 3 तिहाई 9 हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10,609, 10,609, और यही क्या हो गया, बीजीय तदात्म्य द्वारा 103 का स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, है ना। अब यहाँ पे समझते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है, और वो क्या है भाई, तो है 194 गुना 206, इतना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ऐसा है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे एक बार, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, और 9 की 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 हो जाएगा, जोड़ने पे 400 हो गया, और 2 से भागा मार के देखेंगे तो कितना आ गया, 200। इसका मतलब यह 200 के आसपास में है, और 200 के आसपास में है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 200 माइनस 6 और 200 प्लस 6, 200 में 6 घटाएंगे 194, 200 में 6 जोड़ेंगे तो 206, इतना आ जाएगा। तो हम अब कहेंगे, हम जानते हैं कि a माइनस b, a प्लस b बराबर, फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। अब a बराबर 200 रखेंगे, b बराबर 6 रखने पर, ठीक है, किसमें, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। अब आप बताइए, एक जगह हमें रखना है 200, तो यहां कितना देंगे, 200 के स्क्वायर, b के जगह रखना है 6, तो यहां पे लिखेंगे 6 के स्क्वायर, और 200 के स्क्वायर कितना हो गया, 2 दूनी 4, और यहां पे 40,000 हो गया, और माइनस 6 के स्क्वायर 36, और 40,000 में से हम 36 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप घटा दीजिए एकदम सिंपली कि 40,000 है और 36 इसमें माइनस करना है, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 3 गया 6 और ये बाकी 9 और 3, 39,964, तो 39,964 ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो आप लोग जो है इतना देखें, अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, ओके, चलिए ध्यान से आप लोग देखते रहिए, और समझ में ना आए आप वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब है 95 गुना 104, इतना को भी बीजीय तदात्म्य द्वारा हल करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 शायद है, ठीक है। अब समझते हैं, देख रहे हैं कि 100 के आसपास में है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 100 - 5 95 को लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 104 के 100 + 4 लिख सकते हैं। अभी फार्मूला हो गया x माइनस a x प्लस b, तो हम कहेंगे हम जानते हैं कि x माइनस a x प्लस b बराबर x स्क्वायर और प्लस b माइनस a इंटू एक्स और माइनस ए बी होता है, इतना फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला में x बराबर कितना रखेंगे, 100, a बराबर -5, ठीक है, a बराबर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, और b बराबर कितना रखेंगे, तो b बराबर यहां पे 4 है तो 4 रखेंगे, इतना रखने पर ऐसा लिखेंगे, अब रखिए x स्क्वायर प्लस b माइनस a x माइनस ए बी, ठीक है, तो x को हटा दो, इसके जगह 100 रखेंगे, अरे b तुम भी हटो 4 रखेंगे, a के भी हटाओ 5 रखेंगे, x हटो 100 रखेंगे, a और b के जगह 5 × 4 रखेंगे, 100 के स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 4 में से 5 गया -1 और 100 से गुना होगा तो -100 हो जाएगा, है ना, और 5 का 20 तो -20,
माइनस 100 और माइनस 20 हो गया कितना, तो लिखेंगे 10,000 माइनस 120, और 10,000 में से 120 को हम माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 2 गया 8, और ये 9 में से 1 गया 8, और ये बच गया 9। 9,980 और 9,980 ही इस प्रश्न का क्या हो गया, करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 9 क्वेश्चन देखे, और 10वां क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 78 के स्क्वायर माइनस 22 के स्क्वायर का वैल्यू बताइए। तो ये तो सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। अब ए बराबर 78 रखना है, बी बराबर 22 रखने पर, इतना जो है रखने पर, अब रख दीजिए इस फॉर्मूला में ए प्लस बी और ए माइनस बी। अरे तू हटो, 78 रखाएगा, बी भी हटो 22 रखाएगा, अरे ए तू भी हटो 78 रखाएगा, तू भी बी हटो 22 इसके जगह रखाएगा। 78 और 22 हो गया कितना भाई, 100 हो गया। 78 22 कितना हो गया, 100 हो गया। 78 में से 22 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, और 56 गुना 100 करेंगे, इस प्रकार से 5600 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग को ये जो है काफी आसान लग रहा होगा, तो आगे चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, और क्वेश्चन है कि 3a प्लस 7 के होल स्क्वायर और माइनस 3a माइनस 7 के होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है, इतना को हल करें, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर है, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर है, दो दो बारी है ना। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तथा a माइनस बी के रूप में यहां पे है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसमें रखेंगे बारी बारी से, इसको हम हल करेंगे, तो आप जल्दी में आप करिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू, ए के जगह 3a, b के जगह 7, प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर, और ये इतना तो ए गो के हो गया, माइनस इतना, तो माइनस लिखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए के जगह 3a, b के जगह 7, है ना। अब फिर देखिए यहां पे, चाहे तो इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप उस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, आगे बताएंगे, अभी इसको समझिए। और प्लस में बी स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर, इतना हो गया। अभी 3 × 9 स्क्वायर प्लस 7 × 3 कई दुनी 42 और प्लस 49 माइनस 3 के स्क्वायर 9 स्क्वायर हो जाएगा, और 7 × 3 कई दुनी 42 माइनस 42, लेकिन ये माइनस इधर आएगा तो प्लस कर देगा, और यहां पर भी प्लस है तो माइनस कोष्ट के अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा, 7 के स्क्वायर 49, और ये 42 ए है तो ए, अभी प्लस 42 ए और यहां भी प्लस 42 ए। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे भाई, यहां पे समझिए। ठीक है, यहां पे कुछ हम ऐसा करेंगे कि 42 9 ए यहां पे माइनस में है, यहां पे प्लस में, ये दोनों कट जाएगा, 49 यहां पे प्लस में, यहां पे माइनस में भी कट जाएगा, तो 42 ए और 42 ए बच गया, तो 42 42 कितना हो जाएगा, तो यहां पे
84 ए हो जाएगा और 84 ए ही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ये तो ऐसा रहा। अगर आप सेकंड मेथड के द्वारा बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा सोचिए कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इस पूरा को ए आप मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ए के जगह 3a प्लस 7 और b बराबर 3a माइनस 7 रखने पर अब रख दीजिए भाई। तो देखिए इसमें हम रखेंगे a प्लस बी, तो a के जगह 3a प्लस 7 और प्लस b, तो b के जगह प्लस 3a माइनस 7 इतना होगा, और इन टू फिर है a माइनस बी और एक जगह है कितना, तो एक जगह वहां पे देखिए एक जगह 3a प्लस 7 और माइनस b, तो b के जगह ये वाला लिखना है, तो माइनस और b के जगह यहाँ पे 3a माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 3a हो जाएगा और ये माइनस इसके यहाँ जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। अब यहां देखिए 7 एगो प्लस में माइनस में कट गया, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा, और यहां पे देखिए 3a प्लस में 3a माइनस में भी कट गया और साथ साथ 14 हो गया, और 14 छक कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, a है तो a और इस प्रश्न का आंसर 84a। इस तरह से भी आप ला सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और एक और प्रश्न देखते हैं ताकि आप लोग क्लियर पूरी अच्छी तरह से कर सके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 कुछ अलग है। कहता है कि सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करे कि 4p माइनस 7 के होल स्क्वायर और प्लस 112p बराबर 4p प्लस 7 के होल स्क्वायर। यानी क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करना है कि इतना प्लस इतना बराबर इतना, यानी इसमें दो पक्ष दिया हुआ है, एक को बोलेंगे LHS और एक को बोलेंगे RHS। तो हम इसमें किसको हल करें कि इस फॉर्म में लान दें, इधर वाले की हल करते हैं यानी LHS से, और LHS में क्या है 4p माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस 112p। तो यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा a माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो इसको आप तोड़ दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह 4p के स्क्वायर प्लस भलू माइनस है तो माइनस 2ab, तो ए के जगह 4p बी के जगह 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर प्लस 112p हो जाएगा। ओके अब आगे देखिए 4p के होल स्क्वायर 16p स्क्वायर हो जाएगा और 64 × 2 = 56 माइनस 56p प्लस 7 के स्क्वायर 49 प्लस 112p हो जाएगा। अब यहाँ पे 16p स्क्वायर 56p और 112p, तो 112p में से तो 56p घटेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 56p में से 112p जोड़ेंगे तो प्लस 56p हो जाएगा, प्लस 56p और प्लस 49 है तो 49। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 16p स्क्वायर है तो 4p के होल स्क्वायर, और 56p को हम देखिए तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 गुना 4p गुना 7, है ना, और प्लस 49 को 7 के स्क्वायर। अब देखिए ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका फॉर्मूला हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a के जगह कितना है, a के जगह 4p है, b के जगह 7 है और 4p प्लस 7 के होल स्क्वायर, यहाँ 4p प्लस 7 के होल स्क्वायर ही लाना था और ये आ चुका है, तो हम कहेंगे कि बराबर RHS प्रूव्ड।
और इस प्रकार से RHS आ गया है और इस यही जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है अब किताब को उठाएंगे तो उसमें जरूर बनेगा।